हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं डोसा बनाने जा रही हूँ, साथ में सांभर और चटनी भी बनाने जा रही हूँ। साथ में बताती जाऊँगी। अब मैं जो मेरे चावल हैं, जो दाल है, वो उसको मैं पीसूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ वो कितनी कितनी मैंने ली है। रात को चावल भिगो कर रखे थे, ये 3 कटोरी मैंने चावल लिए हैं और आधी कटोरी मैंने चने की दाल ली है, उससे आधी मैंने ली है जो काले जो माँ की दाल होती है उसको सफ़ेद वाली ली है, छिलके वाली नहीं ली, वो उससे भी आधी आधी मैंने ली है चने की दाल को ली, आधी उससे आधी वो ली है माँ की दाल, और 3 कौली मैंने ले ली है चावल, और 1 चम्मच मैंने लिए हैं मेथरे, जो मैंने मेथी दाना होता है उसको मैंने इसी में ही भिगो कर रखा था, इसको पीसूंगी। और चावल अपनी मर्जी से जो भी खाते हो बोलो, और मोटे ले लो, कोई वो नहीं है कि बासमती के ही लेने हैं। ये बहुत महीनी पीसना है। दोस्तों, ये मेरा सारा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और एक बार ग्राइंड करके फिर इसमें डाल दूंगी, जो सारा लगा होगा वो निकल जाएगा। ये दोस्तों, सारा मेरा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको मैं 3-4 घंटे के लिए रेस्ट पे रखूँगी। आजकल गर्मी है इसलिए ये जल्दी हो जाता है। अब इसको मैं गर्म जगह पे रखूँगी 3-4 घंटे के लिए। हेलो दोस्तों, आज मैं सांभर बनाने जा रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था, जो मैंने 1 कटोरी पहले दाल ले ली है, वह भिगोई हुई है। अब मैं इसमें गैस को जलाऊंगी और
उसके बाद मैं अब इसको ढक्कन दे देती हूँ, उबाल आएगा तो फिर मैं इसको ढक्कन बंद करूँगी। अब मैं चटनी बनाऊँगी। चटनी के लिए मैंने ये थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल लिया है, चटनी में डालूंगी। जो मैंने जो चने की दाल है वह मैंने गीले कपड़े से साफ कर ली है, और ये जो माँ की दाल है वो भी मैंने जो सफ़ेद होती उड़द की वो भी मैंने कपड़े से साफ कर ली है, और 1 चम्मच जीरा है, ये 2 चम्मच मैंने नारियल लिया है, मिर्चें स्वाद के अनुसार आप ले सकते हैं, ये मैंने मूंगफली ली है, और थोड़ा सा मैंने ये तिल लिया है। अब मैं इसको भूनूंगी, ये मैं आस्ता आस्ता ही भूनूंगी। पहले मैंने जीरे को डाल दिया है, दाल डाल दूंगी, ये मैं अब चने की दाल भी डालती हूँ, और इसमें मैं ये सब मसाले डालती हूँ, और थोड़े थोड़े आस्ता आस्ता रोस्ट करूँगी। मैं मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे मूंगफली डालते। अब इसमें मैं थोड़े से 1 चम्मच तिल के डालते हूँ, तिल आप कम ही डालें। जी मेरे जो चटनी वाला मटेरियल सब रोस्ट हो गया है, अब मैं इसको उतार देती हूँ ठंडा होने के लिए। डोसे के लिए जो मटेरियल तैयार किया है उसको तड़का लगाती हूँ। ये मैं सरसों का तेल डालूंगी, ये मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तो मैं इसमें जीरा डालती हूँ तड़के में, मैं इसमें प्याज डालूंगी, फिर इसमें मैं हरी मिर्च डालती हूँ। मैंने जो 4 मिर्चें काटी हैं आप अपने स्वाद के अनुसार देख लेना कितना आप तीखा खाते हो। मैं मसाला डालती हूँ, पहले मैंने हल्दी डाली है 1/2 चम्मच, ये 1/2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी, और ये मैंने 1/2 से 1/4 चम्मच मैंने नमक का डाला है, और 1 चम्मच मैंने गर्म मसाला डाल दिया। तो मैं इसमें कड़ी पत्ता मैंने जो सुखा कर रखे हुए धो कर वो थोड़ा सा डालती हूँ। डोसे के लिए जो मैंने बनाया है ये जो हरा धनिया है का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मसाले में। अब दोस्तों जी मेरा मसाला डोसे का तैयार हो गया, अब मैं इसको बंद करती हूँ।
मसाले के लिए जो सब्जी मैंने बनानी है उसके लिए तेल डाल दिया है, 2 चम्मच तेल डाल दिया है। दोस्तों गर्म हो गया है, अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अब मैं थोड़े से प्याज इसमें डाल देती हूँ, थोड़े से मैं बाद में बताती हूँ मैंने क्या करना है। मेरा मसाला भेज जाएगा। कढ़ाई को अदला बदली कर ली है, दूसरे चूल्हे पे मैंने इसको कढ़ाई को रख लिया है। इसमें एक टमाटर काट के डाल देते हैं। मसाले डालती हूँ, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है, 1 से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, और हल्दी डाली है, और मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जो देती है वो डाली है। कश्मीरी मिर्च डाल ली है, लोग नमक भी डाला है, हल्दी डाली है। इसमें मैं पहले जे मैंने घिया काटा हुआ वो डालती हूँ, आलू डालती हूँ, अब मैंने हलवा कद्दू डाल लिया जो कद्दू होता है, और थोड़ा सा बैंगन है वो डालती हूँ। ये मैंने सारी सब्जी मिक्स कर ली है। दोस्तों मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल लिया, मेरी सब्जी जो है मैंने पानी इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। अब मैं इसको ढककर पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। जो मेरी जो चटनी का मटेरियल था वो सारा ठंडा हो गया है, अब मैं इसको चटनी पीसूंगी। मैं चटनी को जार में डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालना है, मैं जीरे का पाउडर डालूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेती हूँ। इतनी बढ़िया मेरी चटनी बनकर तैयार हुई है। अब आप और जितनी भी आपने गाढ़ी खानी है आप उतनी गाढ़ी कर सकते हो, और उतनी ही आप पतली कर सकते हो। मैं तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर हिलाऊंगी और फिर इसको बनाऊंगी, थोड़ा सा ही पानी डालूंगी इसमें।
अब दोस्तों ये मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इतनी ही थिक बनानी है। ये देखो ये अभी गाढ़ी होगी क्योंकि इसमें दाल पड़ती है ना, जो दाल वाली चीज है वो गाढ़ी हो जाती है बाद में। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करो, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करते रहना। और जो जो कुछ भी आप मुझे बोलेंगे मैं आपको वही बनाकर खिलाऊंगी। देखो मेरा मेरी जो सब्जी है वो भी पक रही है। तो मैं अब उसको मैं पहले चटनी को तड़का लगाती हूँ। जीरा डालूंगी, और अब थोड़ी सी मैं इसमें राई डालती हूँ। अब दोस्तों इसमें मैं थोड़ी सी दाल डाल रही हूँ। दो मिनट के लिए भूनूंगा, इसमें मिर्च डाल दो। दोस्तों कड़ी पत्ता मैंने चटनी में भी डाला है, अब मैं इसे तड़के को भी तड़के में भी डालती हूँ। यह तड़का बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसको देखती हूँ कितना बढ़िया तड़का मैं चटनी को लगा। कितना बढ़िया तड़का लग गया। अब मैं इधर इसको रखती हूँ, दाल को तड़का लगाती हूँ। तो जो मैंने मसाला बनाया हुआ है आलू का डोसे के लिए, उसके लिए मैं इसमें एक कच्चा प्याज ऊपर से डाल रही हूँ, इससे बहुत क्रंची बनेगा। ये भी मैं इधर रख लेती हूँ। दिखा देती हूँ ये मैंने ये सब्जियाँ कुकर में डाल दी हैं, दाल में जो मैंने दाल बनाई थी वो मैंने पहले दिखाई है। ये डोसे का ये मेरा इट बन गया है, डाल दी। अब इसमें मैं एक चम्मच चीनी का डालूंगी, आपको जितनी पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल लेना, मैंने तो एक कटोरी एक ही चम्मच डाली है। अब मैं इसमें
तड़का लगाती हूँ, जीरा डालती हूँ, फिर मैं इसमें ये सरसों के दाने डाल रही हूँ। अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डालती हूँ। सांभर में ये मेथी के पत्ते डालती हूँ जो मैंने घर पे ही बनाया है। इसमें सूखा धनिया डालूंगी, मेरे पास हरा धनिया नहीं है आज। अब होने लगा है, बन गया है। अब मैं इसमें देगी मिर्च डालती हूँ। मिर्ची डालूंगी। सारा मसाला सांभर का तैयार हो गया। अब मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरा सांभर का, देखो कितना बढ़िया मेरा सांभर बन के तैयार हो गया है। ये देखो अब मैं इसके ऊपर ही रख देती हूँ गैस के ऊपर, तैयार हो गई है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, मुझे भूलने की आदत है, जो भूल जाती, जो असली चीज़ है वो तो मैंने डाला नहीं। मैंने ये एक चम्मच सांभर मसाला डाला है और ये दो चम्मच सामने डाल दिया है। बादशाह बोलते हैं कि ये बूढ़ी लगी रहती है तो इसको याद नहीं रहती, और मुझे कभी कभी याद भूल जाती है। अब दोस्तों मैंने डोसा बनाना तैयार किया। अब मैं इसमें डोसे के तवे को पानी से ग्रीस करती हूँ। ऊपर भी थोड़ा सा रिफाइंड लगाती हूँ। जो भी आपको चाहिए, घी लाओ, बटर लाओ, जो भी आपने लगाना हो लगा सकते हो। मैं तो रिफाइंड ऑयल ही लगा रही हूँ। मैं मसाला डालूंगी, ये देखो। इसमें मैंने कच्चा प्याज भी डाला है जो कि बहुत ही अच्छा और क्रंची लगेगा। ये देखो, आपको मैंने तो इतना इतना डाला है, आप जितना चाहिए आप मसाला डाल सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये कितना बढ़िया मेरा डोसा बनकर तैयार हुआ है। इसको निकाल लिया, मैं पानी का छींटा लगाऊंगी। तो इसमें मैं फिर रिफाइंड लगाऊंगी। ये देखो कितना बढ़िया डोसा बन के तैयार हुआ।
तो इस गोभी के ऊपर भी मैं ये आलू का बैटर लगा लेती। ये देखो दोस्तों कितना बढ़िया डोसा बनके झटपट तैयार हो गया है। हीटिंग करके बताते हैं। दोस्तों मैंने कटिंग नहीं की है और मैं ऐसे ही आपको मैं दिखा रही। अब दोस्तों ये मेरे डोसे बनके तैयार हो गए हैं। सांभर भी है, साथ में मैंने चटनी बनाई है और जो डोसा है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब के साथ बटन है बेल का वो भी दबाना मत भूलें और आप मेरी हेल्प करना मत भूलें। नमस्कार।